जो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स का है, स्टार्टिंग डेट है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद घंटों के बाद वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स शुरू होने जा रहा है और जिन सैकड़ों बच्चों ने जो इनरोलमेंट कराया है इस वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स में, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स सिर्फ वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि हर एक वोकेबलरी जो आप पढ़ेंगे उनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल पैटर्न पे आपको बताया जाएगा। यानी एक वोकेबलरी के लिए एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पैटर्न है, मतलब इतना स्पेशल इम्पोर्टेंस वोकेबलरी को यहाँ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वोकेबलरी पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं उसको यूज करना, बोलने लिखने पढ़ने में यूज ही नहीं होता व्यवहारिक जीवन में, इसलिए हमने इस चीज़ को खास फोकस रखा है। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। तो आगे जो अगला जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे स्पोकन का, रिटेन का, इस तरीके से, उसके लिए भी ये फाउंडेशन कोर्स का काम करेगा। आपका रिटेन स्ट्रांग होगा, एक एक सेंटे वर्ड को हिंदी सेंटेंस में लिख के आपको बताया जा रहा है और जो वर्ड जिस स्ट्रक्चर में फिट होता है उसी हिसाब से स्ट्रक्चर, जो मोडाल्स के बेस्ड पे स्ट्रक्चर है या टेंस के बेस्ड पे, कंडीशनल या फाइनाइट या नॉन फाइनाइट या पार्टिसिपल फ्रेज के ऊपर, या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशंस बेस्ड जितने भी होते हैं, कुछ वॉइस बेस्ड होते हैं, मूड बेस्ड होते हैं, क्लिप सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं, उन सबको यहाँ पे जगह दिया गया है कि स्ट्रक्चर में पिरो के वो कैप्स को सीखिए ताकि हमेशा के लिए वो कैप्स जो है आपके टिप पे आ जाए। ऐसा रिसर्च करके, इतना मेहनत करके कोई भी अभी तक वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स नहीं बनाया है। वैसे सबसे आसान पॉइंट जो वोकेबलरी में है वो है हमारा रूट वर्ड से वर्ड को पढ़ना, सबसे आसान मतलब कि आसानी से याद हो जाता है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरा होता है रूट वर्ड्स और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों समझिए कि रूट वर्ड बेस्ड ही होता है, जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से जो रूट निकले हैं उसी से ये सारे वोकेबलरी तैयार होते हैं, जिसका मैं आज कुछ सैम्पल आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे का नमूना देखेंगे आप यहाँ पे। तो 20 जून यानी कल का डेट है और 1 साल आपकी वैलिडिटी है, कल से स्टार्ट होगा, कल के बाद फिर 2000 रुपीज़ इसका लगेगा और 1 ईयर वैलिडिटी है, कल तक ये 500 तक आप इनरोल करा सकते हैं, कल 12 बजे तक। सही है दोस्तों। आज देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रूट से पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको जो मिलता है वो रूट से मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कभी भी ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हर वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास हमें जानने का प्रयास करना है, और पढ़ाने के समय भी टीचर के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब मैं बच्चों को बताऊं तो उसके मीनिंग के साथ उसका ग्रामेटिकल क्लास को डिफाइन करूं, तो चीज़ें बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रहती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, एडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, जो जमीन और पानी दोनों जगह, और हमने थीम पकड़ा है कि एक विषय वस्तु पे हम सारे वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे एक दिन में, दूसरा दिन में दूसरे थीम पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक थीम से चलने से क्या होता है ना कि हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे आज हम जानवर के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, और उन जानवर को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, और साथ ही ग्रामेटिकल क्लास हम पढ़ते चलेंगे। पहले क्वेश्चंस देखिए, जैसे जो जमीन और पानी में दोनों जगह रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अब ये देखिए, ये चारों ऑप्शन देखिए, जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है उसे हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। और आपको बताना है कि जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है, तो आपका ज्यादातर जवाब होगा कि एम्फीबियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियस कहते हैं। एम्फीबियस होता है जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है। तो एम्फीबियस क्या है ये आपको बताना है। एम्फीबियस, OUS लगा हुआ हो ना ये लास्ट में सफिक्स, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर हम यहीं पे एम्फीबियन बोल दें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्फीबियस और एम्फीबियन दोनों का मतलब होता है वह जानवर जो जमीन में भी रहे और जल में भी, जैसे मेढक, मेढक जो होता है, या बहुत तरह के सांप होते हैं, या कछुआ है, या क्रोकोडाइल जैसे भी बहुत सारे होते हैं जो दलदली एरिया में जमीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो ऐसे जानवर को हम एम्फीबियस बोलते हैं। तो एम्फीबियस जो है वो एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकल क्लास जरूर जानिए, और एम्फीबियन जो है ग्रामेटिकली नाउन है, यही बस फर्क है। जैसे कैसे बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्ट पेसिमिस्टिक, तो एक
पेसिमिस्ट हमारा नाउन है और पेसिमिस्टिक आई सी लग गया ना लास्ट में तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे ओ यू एस लगा है या फूल लगा है या लेस लगा है ना, या ए ए लगा है या आई बी एल ई लगा है या एबल लगा है या आई सी लगा है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा एडजेक्टिव है। ये लास्ट में वर्ड को देख के भी हम पहचान जाते हैं, एम्फीबियस एम्फीबियन। अब एम एम्बिगुअस, एम का मतलब होता है दो, बाई जैसे बाई पढ़ा है ना दो, तो एम्फीबियस का मतलब हो जाएगा कि जो दोनों जगह रहे, जमीन में और पानी में, जैसे एक्वा है तो एक्वा का मतलब, या हाइड्रो का मतलब पानी है और आई सी लगा है तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। जैसे बोलेंगे ना एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स, तो ये एडजेक्टिव है। तो हम ये जो चीज़ भूल जाते हैं, अगर हम ये चीज़ समझें कि हर वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास हमें जानना है, तब हम कभी भी इसको हम सही से इरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, बोलने में, लिखने में पूरा कॉन्फिडेंस से यूज कर पाएंगे। देखो रूट से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, जैसे एंड्रोगाइनस है तो एंड्रोगाइनस, एक बात हम समझ गए कि ये क्या है एडजेक्टिव है। अब एंडर का मतलब होता है पुरुष यानी मेल, और गाइन का मतलब होता है लेडी, तो अब ये एंड्रोगाइनस किसको कहेंगे, वो जानवर या वो पक्षी या वो जीव जंतु जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन अवेलेबल हैं, यानी मेल के ऑर्गन भी हैं और फीमेल के ऑर्गन भी हैं। जैसे अर्थवॉर्म होता है ना केचुआ, तो मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन हैं तो उसको हम कहते हैं एंड्रोगाइनस। और सही उच्चारण भी, सही प्रोनाउंसिएशन भी होना चाहिए कि एंड्रोगाइनस, क्या बोलते हैं एंड्रोगाइनस। तो एंडर से कभी भी कोई वर्ड आए, जैसे एंड्रोलॉजिस्ट अगर हम बोल दें, एंड्रोफोबिया बोल दें, एंड्रोमेनिया बोल दें, समझ रहे ना, एंड्रोलॉजी बोल दें, तो वो सिर्फ पुरुष से संबंधित हो जाएगा। आप गाइनोलॉजी बोल दें और गाइनोलॉजिस्ट, तो ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या होगा, पहले तो हम ग्रामर के टीचर होने के नाते वही जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हर वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास आपको पता होना चाहिए। अब अर्बोरियल है तो आपने पढ़ा है ना, अर्बोरी कल्चर, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, यानी कि अर्बोरी कल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे झाड़ियों का अध्ययन हम करते हैं या झाड़ियों का उत्पादन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो अर्बोरियल कहते हैं। ए लगा है तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव, जैसे बताया ना आई सी लगा हो, एबल लगा हो, ईबल है, एल है, फूल है, लेस है, आई सी है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो अर्बोरियल मतलब वह जानवर जो झाड़ी पे रहता है, पेड़ पौधों पे रहता है, तो बहुत सारे जानवर और पेड़ पक्षी रहते हैं पेड़ पौधों पे, उसे हम कहते हैं आर्बोरियल। और जो जमीन पे सिर्फ रहता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो जमीन पे रहने वाला टेरेस्ट्रियल हो गया, फिर पानी में रहने वाला एक्वेटिक हो गया, और जो पानी में और जमीन में दोनों जगह रहता है वो एम्फीबियस और नाउन एम्फीबियन हो गया, एर्बोरियल हो गया जो पेड़ पौधों पे रह रहा है। तो एक साथ हम एक ही थीम की बात कर रहे हैं कि खाली हम जानवर पक्षी की बात करेंगे तो उसी की बात करेंगे, तो एक ना हमारा फोकस बन जाता है कि नहीं हमें जानवर के बारे में पढ़ना है, पक्षी के बारे में पढ़ना है, और आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो दोबारा रिविजन करना आसान, फिर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे चीज़ें एकदम क्लियर, दोबारा फिर क्वेश्चन पूछेंगे एकदम क्लियर, समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पानी में सिर्फ रहता है तो एक्वेटिक, अब पानी से सिर्फ रिलेटेड है तो एक्वेटिक एडजेक्टिव है, तो एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे तो पानी वाला पौधा, एक्वेटिक एनिमल्स बोल रहे हैं तो पानी वाला जानवर हो जाएगा, एक्वा कल्चर बोल दें, समझ रहे हैं ना, एक्वेरियम बोल दें तो एक्वा जहाँ भी रहेगा तो पानी ही होगा। ये रूट से पढ़ने से फायदा है, वन वर्ड सेशन में सिर्फ रूट मिलेगा, दोनों जगह रहता है तो एम्फीबियस, और खाली जमीन पे रहे तो टेरेस्ट्रियल, जैसे एक्वेटिक खाली जल में, और ये हो गया हमारा जो पेड़ पौधों पे रहने वाले मंकी वगैरह, पैरोट, स्पैरोज, क्रो, और एंड्रोगाइनस। तो एंड्रोगाइनस कभी भूल भी जाएंगे तब भी दिमाग लगा सकते हैं, और पढ़ाई में अगर हम दिमाग न लगाएं तो पढ़ाई नहीं होता है, वो रटना हो जाता है, क्रैमिंग करना हो जाता है, तो हमें समझना है चीज़ों को। जैसे एनिमल्स लिविंग नियर वाटर सच एज फिश व्हेल्स, यानी तो ये एक्वेटिक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और बार बार ऑप्शन हम देख रहे हैं, अर्बोरियल जो झाड़ी पेड़ पौधा पे रहने वाला, एंड्रोगाइनस जिसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, ये जल जमीन दोनों पे रहने वाला हो जाता है। तो बार बार हम सेम ऑप्शन को जब आपके दिमाग में वो फोकस कराएंगे तो आसानी से आप याद कर लेते हैं। जैसे ट्रीज मोस्ट वर्ड्स मंकी जीटीसी, जो पेड़ पौधा पे रहता है तो उसे क्या कहेंगे, तो अब तुरंत आप जवाब दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न पे अभी आपको लेके चल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा आर्बोरियल, क्या हो जाएगा आर्बोरियल, है कि नहीं आसान है।
अब ये देखिए, खाली एक ही थीम पे चलने से चीजें कितनी आसान हो जाती है बच्चों। एनिमल और प्लांट्स है बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, अब हमने पहले ही डिस्कस किया और फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप तुरंत बता देंगे। एंड्रो मतलब पुरुष, मेल, और गाइन मतलब लेडीज, और ये एडजेक्टिव है, मीनिंग भी और ग्रामेटिकल क्लास भी, दोनों चीजें क्लियर हो रही है। ये बताने के समय दिमाग में होना चाहिए। जो पेड़ पौधों पे रहता है आर्बोरियल, पानी से संबंधित खाली हो गया, और ये दोनों से संबंधित हो गया, जमीन और पानी की, जो मानव जैसा हो। तो अगर हम रूट जानते हैं कि एंथ्रोपॉड का मतलब मैनकाइंड होता है, तो एंथ्रोपॉड मैनकाइंड होता है, तो हम तुरंत गेस कर लेंगे एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड का मतलब होता है मानव जैसा, जैसे बहुत सारे बनमानुष होते हैं, हुरुक बानर होता है, लिल बानर होता है, या फिर आप देखते हैं मतलब क्या बोलते हैं गोरिला, या बहुत सारे मानव जैसे हाथ पैर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोइड। ये एक्चुअली बच्चों ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, लेकिन ये इंग्लिश के वर्ड है नहीं, ये वर्ड जो है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या रूट वर्ड से, वो सब जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें कैसे है, उर्दू भी है, फारसी भी है, थोड़ा फ्रेंच भी है, थोड़ा इंग्लिश के भी वर्ड, हम लोग बहुत सारे हिंदी तो इंग्लिश वाले वर्ड से ही बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ बाई पेड है, तो पेड का मतलब पैर, जैसे बोलता है ना पेडियाट्रिशियन, है ना पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिक्स, तो पेड का मतलब पैर होता है, जैसे चीरो पेडिस्ट बोलते हैं, तो चीर मतलब हैंड, पेड मतलब पैर, तो चीरो पेडिस्ट होता है हाथ पैर का डॉक्टर, चीरो प्रैक्टर बोलते हैं, है ना, पेडोफोबिया बोल देते हैं। तो बाई पेड, तो बाई का मतलब दो और पेड मतलब पैर, यानी दो पैरों का जानवर, और जो चौपाया जानवर है, तो क्वाडर, क्वाडर का मतलब चार होता है ना, क्वाडर, क्वाडर, क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड, पेड मतलब पैर, क्वाडर मतलब चार, तो चार पैरों चौपाया जानवर, उसको हम क्वाड्रूपेड, दो पैरों का है तो बाईपेड, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से गेस कर लेते हैं, देख रहे हैं, हम जो भी पूछ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूछ रहे हैं आपके थीम के बेसिस पे। जैसे दो पैरों वाला है, अभी बता दिया था कि बाईपेड हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ कार्न है और वोर है, तो वोर का मतलब होता है खाना, वोर का मतलब क्या होता है खाना, और ये कार्न है, कार्न का मतलब क्या हुआ फ्लेश, तो फ्लेश कच्चा मांस होता है, तो कच्चा, और वो यूएस है मतलब एडजेक्टिव हो गया, तो कार्निवोरस का मतलब कच्चा मांस खाने वाला। अच्छा, अगर ओमनी का मतलब ऑल होता है, तो ओमनीवोरस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा। फ्रूट, फ्रूगी बोलते हैं, तो फ्रूगी का मतलब फ्रूट होता है, तो फ्रूगीवोरस फ्रूट खाने वाला हो गया। हर्ब का मतलब, हर्बल का मतलब समझते हैं ना, तो हर्बीवोरस अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा घास खाने वाला, घास फूस खाने वाला। ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाला, कार्निवोरस, और खाली भोर मतलब खाना है, वोरेसियस बोल दें तो पेटू हो जाएगा, ग्लूटन, ग्रीडी गट्स, जो खूब खाने वाला है। तो ये सारे रूट से पता चल जाते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। अब जैसे कैनिवल है, कोई पूछेगा कि क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो ए लगा है तो एडजेक्टिव है, तुरंत बता देंगे आप, समझ गए। ये जैसे कार्निवोरस हो गया, जैसे शेर, बकरी, शेर, भेड़िया, ये सब है ना, सिर्फ जानवर वाले जो वर्ड हैं, जैसे डेड बॉडी ऑफ एनिमल, तो एक साथ हम याद करेंगे कि डेड बॉडी ऑफ एनिमल क्या है। अच्छा, डेड बॉडी ऑफ मैन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो कार्कस है ना, ये कार्कस होता है, जो जानवर का जो सब होता है उसे कार्कस कहते हैं, और जो आदमी का सब होता है उसे कॉर्प्स कहते हैं। और स्पेलिंग ध्यान से रखना है, कॉर्प्स नाउन है, ये भी नाउन है, ये आदमी के सर हैं, मृत शरीर हैं, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। डेड बॉडी अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस। बॉडी तो हम मृत शरीर को ही बोलते हैं, बॉडी यहाँ लाओ, बॉडी वहाँ ले जाओ, आत्मा बाहर, बॉडी बोलेंगे खाली उसको। तो डेड लगाना सुपरफ्लूअस है, कई बार पूछा जाता है, तो ये कॉर्प्स है। अगर यहीं पे स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, कॉर्प्स अगर खाली बोलेंगे तो इसका मतलब सोल्जर हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, सेंटीपेड है, तो गेस कर सकते हैं, सेंटी का मतलब सैकड़ों हो गया, पेड मतलब पैर, जिसके सैकड़ों पैर हैं, जैसे कनगोजर वगैरह होता है ना, तो हम कहते हैं सेंटीपेड्स। फ्लोरा और फौना, तो फ्लोरा का मतलब होता है कोई खास रीजन का पेड़ पौधा वनस्पति, और किसी खास रीजन के जानवर को कहते हैं फौना। क्या कहते हैं, फौना। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ एनिमल और वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे बॉडी सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो सेंटीपेड्स बोलेंगे, आराम से गेस हो जाता है बच्चों। अब सर्टेन रीजन के जो एनिमल्स हैं तो फौना हो जाएगा, सर्टेन रीजन के जो फ्लावर प्लांट्स वगैरह हैं वो फ्लोरा हो जाता है, समझ गए, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से बना लेते हैं।
जैसे इनवर्टिब्रेट। अब यहाँ पे देखो, एक लास्ट में बता देता हूँ, आप चीज़ों को बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो बच्चा देता है तो उसको मैमल्स कहते हैं, तो जो अंडा देता है तो वो भी मतलब अंडा होता है, वो भी पेरस बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव हो गया ना, ओविवस। तो ओवी पेरस का मतलब होता है अंडा देने वाला, बहुत सारे पक्षी हैं, मछली है, अंडा देता है, और जो बच्चा देता है उसे हम मैमल कहते हैं, स्तनपाई। समझ रहे हैं ना? तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, तो दोनों साथ में पढ़िए। इनवर्टिब्रेट का मतलब हुआ जिसके रीढ़ नहीं है, बैकबोन नहीं है, अकशेरुकी बोलते हैं ना उसको हिंदी में, और वर्टिब्रेट जिसके बैकबोन है, इनवर्टिब्रेट। अब जैसे इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं, ये सारे चीज मैंने डिस्कस किया है, ये देखिए बैकबोन जिसका है जिसका नहीं है, क्या कहते हैं, ये सारे जो वर्ड्स मैं कराऊंगा तो एक बार में एक ही चीजों पे लेके हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें, दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट रेदर देन ड्यूरिंग द डे, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सोए रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं कि दिन में सोते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। तो जो रात में होते हैं उसको कहते हैं नॉक टर्नल, क्या बोलेंगे इसको, नॉक टर्नल नहीं, नॉक टर्नल, और दिन में जो एक्टिव रहता है उसको कहते हैं डाई अर्नल। क्या कहते हैं? डाई अर्नल, जो दिन में एक्टिव है जैसे हम और आप हैं, डाई अर्नल है, और नॉक टर्नल जो क्या हुआ कि रात में एक्टिव है, जैसे उल्लू है, आउल है, या बैट बोलते हैं चमगादड़, वो सब रात में एक्टिव होता है, उसको नॉक टर्नल, ये डाइअर्नल, नॉकटर्नल डाइअर्नल। अंडा देने वाला ओविपेरस, तो बच्चा देने वाला मैमल्स, और वोर मतलब खाना, ओमनी मतलब ऑल, तो ओमनी और पैन का मतलब ऑल होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा ना, सब कुछ खाने वाला। समझ गए? तो आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पढ़ाने का पढ़ने का तरीका क्या होगा, अलग अलग दिन अलग अलग बता रहे हैं, कि थीम पे लेके चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेगी। कि बुक जो मैंने लिखा है ये बाकी आम ग्रामर के जो किताब हैं उनसे बहुत एंटायरली डिफरेंट है। आज तक जिसके पास भी ये बुक गई है, किसी बच्चे ने यही स्टेटमेंट दिया है, कॉमन सा स्टेटमेंट, ऐसी किताबें मैंने आज तक नहीं देखी। कारण इसके कई हैं। पहला तो कारण ये है कि इसको सब कुछ जो भी लिखा गया है कंपटीशन के हिसाब से या ज्ञान की तृष्णा को मिटाने के हिसाब से, कई टॉपिक जो ग्रामर के हैं आम बुक में नहीं मिलते हैं। तो इसमें टोटल 27 टॉपिक हैं ग्रामर के, उसमें वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक नहीं है। दूसरा है कि कोई भी टॉपिक आधा अधूरा नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब एक एक टॉपिक को डिफाइन किया गया है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सारे स्टेटमेंट, जैसे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हिंदी सेंटेंसेस के साथ भी दिया गया है, इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि मीनिंग भी समझ में आए। चौथा है कि हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाया गया है, और जब सब कुछ बना के पूरा हो गया फिर लास्ट में रेडी रिकोनर दिया गया है। ग्रामर के शुरू होने के पहले पूरा एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर समझा दिया गया है, कि लेटर, वर्ड, फ्रेज, साउंड, जितना भी आप पढ़ते हैं कि हर तरह के फ्रेज, हर तरह के क्लाउज, सब कुछ पहले ही एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में डिस्कस कर दिया गया है। और पेपर क्वालिटीज़ की बेहतर, छपाई बेहतर, बुक जब भी आप रखेंगे बाकी के तुलना में तो ये लगेगा कि हाँ ये गीता, रामायण, कुरान है, ये एकदम गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको एकदम बिल्कुल हिफाजत से हमें रखना है, और आपके लिए सबसे बड़ा एसेट्स होगा। तो इसको आप जरूर परचेज करें। और इसके अलावा दोस्तों एडवांस वर्ड बूस्टर, और ये पूरा 8 बुक का सेट 2000 में दे रहे हैं, इसको आप जरूर मंगाइए। 9599 जो नंबर है ना, 6147 91, इस पे कॉल करिए। ये वेबसाइट है www.shyamsharmasclasses.in, ये ऐप को डाउनलोड अभी करिए और वोकेबलरी कोर्स ज्वाइन करिए। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से, बिल्कुल लॉजिकली आपको पढ़ाएंगे, इस तरह से कि सारी बातें आसानी से इनकलकेट हो जाए आपके दिमाग में, और व्यवहारिक लाइफ में उसको यूज में लाएं। पैनेसिया बैच लाइव चल रहा है, इसमें आपका बुक्स के साथ है सब कुछ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास टाइम कम है तो रिकॉर्डेड क्लास पढ़िए 2000 का, ये सबसे बढ़िया है। PDF वगैरह सब इसमें है, और वो कैबलरी अपडेट कर दिया गया है सारा इसमें एकदम नया पैटर्न पे। और बाकी दूर रहते हैं, PDF अगर आपको डेटा का समस्या है, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मंगा के पढ़िए, 64 GB का पेन ड्राइव जाता है, या मेल पे अपना कोर्स मंगा लीजिए और उसको पढ़िए। इसके अलावा रिटेन इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड है, लाइव भी आएगा ठीक आज से 30वां दिन, 30 दिन के बाद, और न्यूज़पेपर रीडिंग का भी लाइव आएगा। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा, नॉर्मली अगर आप अंग्रेजी पे बेहतर कमांड करना चाहते हैं, जो आपको 10-20 साल से कोई ऐसी समस्या है
जो आपके दिमाग में हॉन्ट कर रहा है, आपको नॉर्मल टीचर या नॉर्मल बुक से जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप ये सारे कोर्सेज परचेज करिए, चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, एस्पेरेंट हो, सबके लिए ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और ये सारे बुक्स इंडिविजुअली भी आप 9599614799 पे कॉल करके मंगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे, और जरूर इस कोर्स को इंसिस्ट करूंगा कि वो कैबलरी बिल्डिंग कोर्स ये बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल विशेष तैयारी, विशेष रणनीति के साथ ये कोर्स डिजाइन किया गया है। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस बिल्कुल ना करें, अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, और उत्साह तो खूब भरपूर रखिएगा। जिसके पास उत्साह और एनर्जी है ना, वो दुनिया में कभी नहीं दब सकता है, वो एकदम ऊपर ही बाउंस करता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।